मैं आपको ये क्वेश्चन 44 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 44 है ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर बेस्ड है, और इस क्वेश्चन को मैंने क्लास 10 की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से लिया है। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पेज नंबर है 249। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर लेंस हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, 50 सेंटीमीटर टॉल है। 50 सेंटीमीटर टॉल मतलब उसकी हाइट बता रहा है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अब क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने ये ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो इसकी वजह से जो इमेज बन रही है ना वो स्क्रीन पर आ रही है, ऑन द स्क्रीन बोल रहा है ना, ऑन द स्क्रीन पर आ रही है। और जो इमेज बन रही है उसकी हाइट कितनी है, वो टॉल कितना है, 20 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है। और वो जो इमेज बन रही है ना लेंस से कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनना है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हमें यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस रफ डायग्राम से ही हमको यहाँ पर जितने भी नंबर दिए ना, 50 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर, इसका हमें साइन पता चलेगा, हमें यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यह हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। अब इसी सी से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 50 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या, इसी को बोला गया, ये जो लाइन है ना इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया, इसी पर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट हाइट। और ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे डिनोट करते हैं, H1 से, वो कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस लेंस के सामने रखें, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है तो अब इमेज बनेगी, तो इमेज कैसी बन रही है, 20 सेंटीमीटर टॉल। अब देखिए ऑब्जेक्ट का साइज 50 सेंटीमीटर है हाइट, और जो इमेज की जो साइज है 20 सेंटीमीटर है, मतलब कि छोटी बनी है इमेज की साइज, मतलब इमेज जो है छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, यही ना। अच्छा अब ये बोल रहा है कि जो 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज है इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर बन रही है, यानी कि स्क्रीन पर इमेज बनने का मतलब है कि रियल इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो स्क्रीन पर नहीं आती है, स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यानी कि यहाँ पर जो भी इमेज हमारी बन रही है, क्या समझ में आ रहा है, नीचे की ओर बन रही है ना, रियल इन्वर्टेड। अच्छा यहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप ख्याल रखिएगा कि ऑब्जेक्ट की साइज़ बड़ी है, इमेज की साइज़ छोटी है, तो थोड़ा छोटा बनाइए। तो मैं थोड़ा मैंने लंबी लाइन कर दी थी, इमेज की साइज़ छोटी है, ये देखिए। अब मैंने नीचे क्यों लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर इमेज बन रही है, तो स्क्रीन पर रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, तो इसलिए रियल इन्वर्टेड तो डाउनवर्ड इन्वर्टेड नीचे की ओर रहता है ना, इमेज उल्टी बनती है, तो ये हमारा इमेज है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जो इमेज का जो डिस्टेंस है ना लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इमेज और ये हमारा इमेज है, ये इमेज लेंस से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कि ये वी है हमारा। यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस बता दिया है, बोल रहा है ना कि जो इमेज बन रही है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस वी हमारा होगा, इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। आइए मैंने छोटी क्यों बनाई है, मैंने बता दिया ना कि ऑब्जेक्ट से छोटी है, इमेज का जो साइज होता है उसको हम H2 से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप 50 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा रखिएगा ऑब्जेक्ट का साइज, और इमेज की साइज छोटी रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, अब हमें इस लेंस का क्या निकालना है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, गिवन H1। तो देखिए फॉर्मूले क्या यूज़ होते हैं लेंस में, पहले वो लिख लेते हैं, 1/f = 1/v - 1/u, ये होता है लेंस का फॉर्मूला। दूसरा m क्या होता है, होता है H2/H1, एक ये होता है फॉर्मूला। तीसरा एक और होता है m, वो होता है v/u, ठीक है। अब हमारे पास H1 कितना दिया हुआ है, जो H1 को ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको H1 से बोलते हैं, H1 से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। पहले सब लिख लीजिए, H2 कितना दिया है, H2 जो इमेज की हाइट होती है उसको H2 से डिनोट करते हैं, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। और V इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से, ये इमेज का डिस्टेंस बताता है फ्रॉम लेंस, कितना है, 10 सेंटीमीटर। पहले सब लिख लीजिए, अब इसमें आपको साइन लगाना है, तो साइन कैसे लगाएंगे, ये रे डायग्राम से समझ में आएगा। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर हमारी इमेज जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है,
और रियल है इन्वर्टेड है यानी कि डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में नीचे में है, नीचे में है तो रियल इन्वर्टेड इमेज जो है वो माइनस में लिया जाएगा उसकी हाइट को, क्योंकि नीचे की ओर है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंस के आगे बनना है, तो लेंस के आगे लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और लेंस के पीछे रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होता तो हम यू माइनस में लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दिया नहीं है। तो यहाँ इमेज का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो लेंस के आगे है तो लेंस के आगे जो भी रहता है पॉजिटिव लेते हैं। ये हो गया। अब हमें फोकल लेंथ चाहिए, एफ यही फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, लेंस का फोकल लेंथ। तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो हमें क्या चाहिए, V मिल गया है हमें, V तो पता है, यहाँ पर U नहीं पता है, U हमें निकालना होगा। ठीक है, तो U कैसे निकालेंगे, H1 और H2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके M निकाल लेंगे, फिर M की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ V तो दिया हुआ है तो U यहाँ से निकल जाएगा। तो पहले M इक्वल टू हम क्या लेके चलेंगे, H2/H1। ठीक है, तो M इक्वल टू H2 कितना है, देखिए निगेटिव है, तो -20 सेंटीमीटर/H1। H1 हमारा कितना दिया, 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ रहा, -2/5। ये हमारा M आया है, -2/5। ठीक है ना। अब देखिए V तो दिया हुआ है, U हमें चाहिए ना, तो अब हमारे पास M आ गया। अब इस M की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो M क्या है, V/U। तो M कितना आया हमारा, -2/5 रखिए इसकी जगह, इक्वल टू V कितना है, V तो दिया है 10, और U हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो U जो है किससे इंटू होगा, U जो होगा -2 से इंटू होगा, तो ब्रैकेट में लिखिए -2 है, तो 5 किससे इंटू होगा, 10 से, तो 5 × 10 यहाँ लिखिए। हमें केवल U की वैल्यू चाहिए, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 10। अब ये जो -2 इंटू में इधर साइड जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, चला जाएगा ना डिवाइड में, तो 2 × 5 = 10, तो कितना आया, 5 × 5 = 25। और ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, तो डिस्टेंस बता रहा ऑब्जेक्ट का तो सेंटीमीटर में रहेगा, तो U हमारे पास कितना आया, -25 सेंटीमीटर आ गया U, और V ऑलरेडी दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया दोनों वैल्यू। अब हम क्या निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, F, तो F हमारा क्या है, 1/F = 1/V − 1/U। तो वैल्यू रखिए 1/V, V कितना है 10, −1/U, U कितना है −25। ये U की वैल्यू यहाँ रख दिया, इक्वल टू 1/10। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1/25 आया। तो 1/F इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 1/10 + 1/25 इक्वल टू, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 250 मान लीजिए। ठीक है ना, फिर जस्ट एलसीएम जैसे लेते हैं, अब 25 इसमें इंटू होगा तो 25 + ये 10 से इंटू हो, 10 × 10। ठीक है, ये दोनों जोड़िए, 35 हो जाएगा / 250। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25 और 1 = 0। तो हमारे पास 1/F = कितना आया, 7/50 आया। ठीक है, और हम इन दोनों दोनों साइड क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों का, तो F कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिए तो 50/7 आएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए फोकल लेंथ है, लेंथ बताता है, तो लेंथ की यूनिट क्या रहती है, सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। अब डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगाइए, 7 × 1 = 7, 10 में से 7 गया बचा 3, एक और 0 लगाइए तो 7 × 4 = क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 28। तो लगभग लगभग 7.14 सेंटीमीटर आ रहा है फोकल लेंथ हमारा, यही इसका आंसर है, यानी कि इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 7.14 सेंटीमीटर नियरली ये है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।